एक चीज मैं तुम लोग यार बताता चलूं, वो ये कि सुबह दोस्तों मैंने, तो आज मैं आप लोगों को भी दिखाता हूं और खुद भी देखता हूं सही से। तो ये रहे उनके माँ बाप और इनका बच्चा काऊ। चलो हटो ये है। अबे ये क्या करा है तुम लोगों ने? चलो यार आ गए भाई छत पे हम सेटअप पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार इनका दाना वगैरह लेकर आया हूँ, खाना पीना। अब तो सिर्फ दो ही मुर्गियाँ हमारे पास, जैसा आप लोगों को पता है। एक हमारे पास ये मुर्गी जिसका बच्चा है, और दूसरी जो है वो कुड़क जो बैठी हुई है अंडों पर। तो उन दोनों के लिए इतना खाना काफ़ी है थोड़ा बहुत। और बाजरा जो इनको हम अभी बहुत कम दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी की तपिश जो है ना शिद्दत वो बहुत है। बाकी दो मुर्गियाँ दोस्तों नीचे, उनको मैं डालकर आ गया हूँ ये खाना। तो मैंने बोला जल्दी चौक पर आऊँ, पहले इनको डालूँ और उसके बाद परिंदे जितने हैं इनको तो हल्का फुल्का डाल के आराम से ये हो जाते हैं। इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं मुर्गियों में। तो खैर इसको यार अभी यहाँ रखता हूँ। एक चीज़ मैं तुम लोग यार बताता चलूँ, वो ये कि सुबह दोस्तों मैंने पूरी जगह की सफाई करी है। ये देखें क्लियर जो नज़र आ रहा है ना, ये इतना पूरा साफ, ये आपके भाई ने पूरा क्लियर कर दिया है सुबह में ही। वो गुड न्यूज़ जो थी दोस्तों वो ये थी कि हमारे, आप लोगों को याद होगा, इन्होंने जो है एक बच्चा निकालना था, पर मैं वो कल व्लॉग नहीं बना सका तो फिर वो बच्चा नहीं दिखा सका आप लोगों को। तो माशाल्लाह से नन्ना सा इतना सा बच्चा बाहर आ गया था, और उस वक्त तो बहुत क्यूट सा था, छोटा सा। तो कल मैं दिखा नहीं पाया तबीयत की वजह से, तबीयत सेट नहीं थी। तो आज मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ और खुद भी देखता हूँ सही से उसको बाहर निकाल के कि वो कितना क्यूट और कितना प्यारा है। चले आए। तो ये रहे उनके माँ बाप और इनका बच्चा काऊ। चलो हटो यार, इसकी मादी बहुत परेशान करती है, मेरे को हाथ डालना पड़ेगा और ये काटेगी। हैं? अबे ये क्या करा है तुम लोगों ने? इधर ही खड़े हो एक मिनट यार, इसने बच्चा ही दे मारा अपना। अबे यार अजीब कोई हरकतें इनकी यार। अबे यार इन्होंने दबा के ना उसकी भराई करी है ना कुछ करा है, इसको मरे हुए भी टाइम हो गया है यार, कुछ बचा ही नहीं उसमें, यकीन मानो दोस्तों। यार इन्होंने यार अजीब कोई किस्म के लगा रखे हैं खेल। इनके पास अंडे रखे थे, इन्होंने भी पूरे अंडों की वाट मार दी। वो देखें वो पड़े हुए दो फिके हुए और खुद खड़े हुए आराम से। फिर मीटिंग करेंगे, फिर नए अंडे देंगे, फिर उसको सीखेंगे, फिर खराब कर देंगे। अजीब यार, यार क्या हरकत है, सही सादा बच्चा मार दिया यार इन लोगों ने। एक बच्चा निकला था वो भी। इसको शायद कल ही मार दिया इन्होंने, रात ही रात में, एक दिन हो गया पूरा। तो यार इसको जो है हमने डाल दिया है दोस्तों अपनी गलवा मादी, और बच्चों को देखें माशाल्लाह से वो दोनों खाने पीने में अच्छे लगे पड़े हैं। और जो हमारी कुड़क मुर्गी है ना उसको भी मैंने अंदर ही डाल दिया है यार, खोला खुद नहीं मैंने, क्योंकि अंदर से मेरी बात हुई थी तो वो गया हुआ था काम से, वो बोल रहा था यार मुझे लेट हो जाएगा तुम डाल देना, और अंदर रख के डालना क्योंकि वो फिर ना उठ रही है अंडों पे से बार बार। तो इस वजह से मैंने उसको भी अंदर ही डाल दिया। अब दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उठाऊंगा ना तो वो बाहर आ जाएगी फ़ौरन भाग के पानी पीने के लिए। पानी भी मैंने साइड पर अंदर ही रख दिया, वो खा पी के खुद ही उधर जाके बैठ जाएगी। अब थोड़ी देर में बल्कि मैं खुद ही बैठा दूंगा देख अगर नहीं बैठी। बाकी यार दोस्तों इनको भी डाल दिया है मैंने, दाना पानी सारा देख लिया आप लोगों ने। बस यार मेरे समझ से बाहर हो रही है, लोग बार बार क्यों ऐसा हरकत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये देखें ये जो इसने तोड़ा था ये अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, मैंने बचा के रखा हुआ था, आप लोगों को दिखाऊंगा। ये खोल है बच्चे का जिसमें से वो बच्चा निकला था। अब बताओ यार सही सलामत बच्चे आ रहे हैं और वो जा रहे हैं, सही सलामत बच्चे। अब देखें एक अंडे को सीखने बैठ गए, बड़ा कोई तीर मारेंगे ये लोग, इस एक अंडे में से ही बच्चा निकालेंगे और वो भी ख़राब कर देंगे। ये क्या करे बंदा यार, तुम तो वहाँ जाओ। दिमाग ना वो होता है एक डिसबैलेंस कि अगर आपकी कोई चीज़ ऐसे ख़राबी पैदा कर दी है ना मज़ा नहीं आता फिर यार। तो बस इस चक्कर में ना ये सेटअप पे ना बहुत ज़्यादा ना देर उनकी फैल जाती है। बाकी यार हमारे जितने बजे थे ना उनको देखें आप, ये देखें सारे पानी के आश्रय में सारे, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं यार। हमने अच्छा बजेज और जो होगरों में ना उनको एक साथ कर दिया है,
सारे एक साथ इधर आ जाते हैं। सुबह सुबह जब मैं आता हूँ तो ऐसे प्यारे लगते हैं, पानी मांगते हुए जल्दी से आते हैं, भागते हैं पानी लेने के लिए। कोशिश होती है मेरी कि जल्द से जल्द उठ के इनको सबसे पहले पानी डाल दिया करूँ, ताकि सारे यार पानी से ना हो रहे हैं महरूम, क्योंकि हमारी ऐसी हालत हो रही होती है तो यार ये तो फिर परिंदे हैं। जब आपने पाला तो जिम्मेदारी का काम होता है यार। ये पिंजरे अब कब वापसी रौनक होंगे, कब वापसी आबाद होंगे, ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है यार। बाकी हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ माशाल्लाह से बीमारी ख़त्म हो चुकी है, वो जो चल रही थी ना वो पूरी बीमारी ख़त्म हो चुकी है, उसका अब कोई हमारे इधर से ना लेना देना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारे जो कज़न क्या रखे हुए हैं वो अभी सेट हैं, उनकी मैंने आप लोगों को रिपोर्ट देनी थी, पर माजरत ख्वाह हूँ बहुत बहुत, क्योंकि यार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार शिद्दत का चढ़ गया था, उसकी वजह से ना मैं व्लॉग नहीं अपलोड तो क्या बना ही नहीं पाया, तो अपलोड क्या करता, तो इस वजह से बहुत बहुत माजरत सॉरी। तो बस उधर की मैं रिपोर्ट इंशाल्लाह आप लोगों को कल लेके पूरी दे दूंगा। बाकी आज की हमारी यही थी वीडियो यार, जो हमारे को ये बैड न्यूज़ मिली है, बच्चा जो मर गया हमारे इनका, ये शायद पट्टी वाले कहलाते हैं, कौन से कबूतर हैं, तो इनका, बाकी इनका यार बच्चा मेरे एक चीज़ समझ नहीं आई, कल तक बिल्कुल सेट था, और हमजा को ये रिपोर्ट पता नहीं है, हमजा पता नहीं कब आया, हमजा को भी पता नहीं है मैंने, उसका रिएक्शन कैसा होगा वो मुझे पता है ना उसका रिएक्शन, अब हमारे यहाँ वैसे इतनी न्यूज़ आ गई, बैठ क्या करे बंदा। तो बाकी खैर यार, ये बच्चा जो है इन्हीं का, ये बच्चा इनका था, इनका बच्चा था, इनके नीचे इसलिए निकलवाए क्योंकि ये निकाल नहीं रहते उसको, ये मार देते, अगर वो निकलता नहीं हो वैसे ही शैल में मर जाता अंदर, तो इस वजह से हमने इनको दे दिया था ताकि ये निकाल दें सुकून से। पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो भाई ऐवे के तेवे कर दिया, बच्चा निकाल के खुद ही दे मारा भाई, अपने नीचे दबा के, वो बकायदा वाजे हो रहा है कि वो बिल्कुल पिस चुका था। तो बस जो किस्मत में भाई उसका क्या कर सकते हैं यार। तुम क्यों इतने सुस्त बैठे हुए हो, है सेट तो ना, डराओ मत यार, हमारा पहले तीतर मर चुका है एक। हाँ भाई मैंने बोला कहीं इसको भी आग लग गई हो, क्योंकि बीमारी दोस्तों परिंदों में लग जाती है, तो ये खासतौर पे जो मुर्गी टाइप के होते हैं ना, अब ये भी वैसे ही चलता है आपको पता, तो इनमें ज़्यादा लगती है रानीखेत। और भी बीमारियाँ हैं ऐसी इनके अंदर, पता नहीं कितनी है, ये तो पता नहीं किसी को शायद इतना इल्म हो, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो खैर ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट हैं, और ये जो बेबी हमारा इसका जो कबूतरों ने निकाला था, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद बच्चा निकाला था इन्होंने जो बड़ा हो गया इनका ही, पर आज का बच्चा खो दिया इन्होंने। खैर होने वाली चीज़ थी, हो गई यार, उनको बार बार ब्लेम दें। बाकी भाई छोटू हो तुम लोग भी जल्दी जल्दी बड़े हो, और इसके लिए यार मैंने एक लाजमी पार्टनर लाना है, ये जो हमारा वो है ना बटेर, क्योंकि वो गिफ्ट मिला था मुझे, मुझे भाई ने बोला था यार सेल आउट कर दो, कहाँ रखोगे अकेला, मिला नहीं यार, एक चीज़ गिफ्ट के तौर पर मिली है, उसको ऐसे में सेल आउट नहीं कर सकता, बहुत गलत बात है। सामने वाला क्या बोलेगा, यार हमने गिफ्ट दिया था ये बेचता फिर रहा, तो बहुत गलत बात होती है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने उसको रखा हुआ है, और कोई मसला नहीं है, कितना खा लेगा यार, कुछ भी नहीं खाता इतना तो ये, तो इस वजह से इसको हम रखे रहेंगे, इसके साथ इंशाल्लाह जल्द पार्टनर लाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अच्छा लगा हो या ना लगा हो इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज की जो खबर मिली ना हमारे को इसकी, वो बच्चा खैर हो सकता है यार, बहुत सी वजूहत होती हैं, अब पता नहीं इन्होंने क्यों मारा हो, इन्होंने मारा है या नहीं मारा, या इनके नीचे गलती से दबके मर गया है, उनका भी नहीं पता, वो भी जानवर है यार। तो खैर आज हमारे को ये बैड न्यूज़ मिलनी ही थी, तो खैर इंशाल्लाह दुआ करें कि हमारा जल्द अज जल्द ये सेटअप सेट होना, ये बीमारी पूरी जल्द अज जल्द तरीके से ख़त्म हो जाए ना, तो ये जल्दी से पिंजरे हम लगाएं यहाँ पे वापसी से, और इसको भर दें पूरे सेटअप को फिर से ज़बरदस्त वाला। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।